اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب اتجادلونني فيه اسمها ان سميتموها انتم واباؤكم انتم واباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا اني معكم من المنتظرين فانجيناه والذين معه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا باياتنا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين سورة الأعراف آية نمبر 71 أو الله تبارك وتعالى हूद सलातम की कौम की नाफ़रमानी और उनकी सरकशी का तस्करा फरमाया कि नल सलाम के बाद दुनिया में इस कौम को ला तबारक व ताली ने बड़ी आता फरमाई इन पर बहुत सी नामत नाजिल फरमाई कि जिस इलाके में ये रहते थे वो इलाका सरसब्ज व शादाब था वहाँ पर नहरें थी और उनके पास जानवर जो चौपाएं की शक्ल में हैं उसकी कसरत भी थी और साथ में जिस्मानी एतबार से इस कौम को अल्लाह तबारक वाली ने बड़ा मज़बूत बनाया हुआ था तो ऐसी जो नमतें थीं इन नमतों को याद करने इन नमतों पर अल्लाह तबारक वाल का शुक्र अदा करने की उन्हें बार बार तलकिन की जा रही थी और उन्हें बताया जा रहा था कि ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक वाली की तरफ से ही लिहाजा तो तुम अल्लाह तबारक वाली की इबादत करो अल्लाह तबारक वाली के अलावा जिन पत्थरों की और दीगर चीज़ों की तुम इबादत करते हो उन सब को छोड़ दो क्योंकि इससे पहले तुमसे पहले जो यहाँ कौम आबाद थी जिसको कौम नूह कहा जाता है जिनका इलाका इराक़ का इलाका था इराक़ के सरजमीन में ये लोग आबाद थे इन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरों की इबादत करना शुरू कर दिया उन्हें भी समझाया गया न समझने पर अल्लाह तबा व तआला ने तूफ़ान के ज़रिए उन सब को गर्क करके तबाह कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि अगर आपने भी इस तरह से नाफरमानी की शिरक किया अल्लाह की इबादत से मुंह मोड़ा तो अल्लाह तबारक तआला आपके ऊपर भी अजाब नाजिल कर दे लेकिन वो मानते नहीं थे और हूद वसलाम को उल्टे जवाब देकर ये कहते थे कि फातिना बिमा माता इन इनकन तमिन पहले के लोगों पर अजाब नाजिल हुआ था अब दोबारा आजाब आने के बारे में ख़दशा जाहिर कर रहे हो तो ठीक है कौन सा वो आजाब है कौन भेज सकता है ज़रा इस तरह का कोई आजाब हमारे ऊपर नाजिल करके दिखा दो हम ऐसी ताकतवर कौम हैं, ऐसी मज़बूत कौम हैं, भला कोई अजाब हमें तबाह करने वाला है ऐसी कोई बारिश होगी जिससे इसमें जाकर हम डूब जाएंगे हमारे पास तो क़ुव्वत है हमारे पास ऐसी सलाहियतें मौजूद हैं हम अपने आप को बचा ले जाएंगे कोई ऐसा अजाब नहीं है जो हमको ख़त्म करने वाला है तब तो अल्लाह तबा व वाली ने उन्हें मोहलत भी दी, उन्हें सुधरने का मौका भी दिया लेकिन वो सुधरते नहीं थे तो अल्लाह फरमाते हैं कल कदम मर रब रिजसू व कि तुम पर तुम्हारे रब की जानिब से अजाब और गुस्सा नाजिल हो गया कला मे रब कुम रू व खुद आलतम ने अपनी कौम से कहा कि तुम पर तुम्हारी रब तुम्हारे रब की जानिब से गुस्सा अजाब और गुस्सा नाज़ हो गया अल्लाह तबारक वाली नेजाबी नाजिल कर दिया मतलब ये कि अजाब नाजिल करने का फैसला कर लिया तुम तो मानते नहीं हो तो ठीक है अब तुम्हारे ऊपर अजाब नाजिल होकर रहेगा अल्लाह तबारक वाल तुमसे नाराज भी हो गया है अतुजा दिलू ननी फी असम इन सब तुम हा तुम आबाकुम मा नजल्ला सुल्तान और तुम मुझसे ऐसे नामों के बारे में झगड़ा करते हो इख्तलाफ करते हो जिन नामों को तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने मुंतखब कर लिया है मानस मिन सुल्तान हालांकि उसके बारे में अल्लाह तबा व तआला ने कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई अब ये नाम कौन से थे जो दो नाम इन्होंने मुतायन कर लग लक, कर रखे थे या मुंतखब कर रखे थे वैसे ही नाम थे जैसे नलातुस्म के जमाने में थे नलातुसम के जमाने में पांच अफराद थे पांच बुजुर्ग थे जो नेक इंसान थे अल्लाह की इबादत करने वाले लोग थे उनका इंतकाल हो गया तो उनकी कौम ने बाद में उनको ही खुदा बना लिया उन्हें की कब्र के अतराफ में तवाफ करने लगे सदा करने लगे उनकी ही मूर्तियाँ बनाकर अपने साथ सफ़र में घरों में रखने लगे उन्हीं की पूजा करने लगे तो अल्लाह ने उस उनके बारे में फ़रमाया वध यगूस याक और नसर वो पांच लोगों के नाम थे तो ऐसे ही इन लोगों के पास भी सदा समूद और हबा ऐसे चंद नाम थे जिन नामों को इन्होंने मुंतखब कर लिया था अपने मबूद के लिए जैसे दुनिया में जितने भी मबूद हैं अलग अलग कौमों के उनके ख़ास नाम हैं उन नामों के साथ उनको याद किया जाता है और फिर उनकी ख़ास शक्लें हैं वो शक्ल देख कर आदमी पहचान लेता है ये फना है ये फना है ये फना है तो ऐसे जैसे आज आज मौजूदा दौर में कुछ नाम मशहूर हैं ऐसे ही इन्होंने भी चंद नाम मुतन कर लिए थे और उन नामों की मूर्तियां बना बना कर उनकी इबादत किया करते थे तो अल्लाह तबा व तआला ने फरमाया दिलीफी असमायन सम्मई तुम हा तुम वा मिन सुल्तान उदालाम ने जब कौम को नसीहत की तो अल्लाह को छोड़ कर जिन माबूदों की वो इबादत किया करते थे अलग अलग नामों से तो उनके बारे में फरमाया क्या तुम मुझसे इख्लाफ करते हो झगड़ा करते हो ऐसे नामों के बारे में जिन नाम जो नामों को तुमने तुम्हारे बाप दादा ने मुंतखब किया हुआ है ये तो अल्लाह की जानिब से नहीं है ये तुम्हारे मुंतखब करदा है मानस माना बिहामिन सुल्तान और इन लोगों की ऐसी तज़ीम की जाए इसके बारे में ला तबारक तआला ने तुम्हें तो हुक्म नहीं दिया ला तबारक तआला ने इनके बारे में कोई ऐसी दलील नाजिल नहीं फरमाई है कि ये लोग इन इन लोगों की इबादत की जानी चाहिए इनका तवाफ़ किया जाना चाहिए इनसे मांगना चाहिए तो उन्होंने कुछ ऐसे अलग अलग देवता मुंतखब कर दिए थे कि जिनमें से एक का काम वो समझते थे कि बारिश नाजिल करना है और दूसरे का काम ये हवाएं चलाना है इसी तरह से जो खेती से फसलें निकलती हैं तो एक को उसके लिए मुंतखब कर दिया था कि ये देवता वो है जो खेतियों से फसलें निकालता है इसी तरह से एक को उन्होंने सेहत के लिए मुंतखब कर दिया था कि जब भी बीमार हो जाए तब ऐसी सूरत में आ, वो इंसानों को शिफा देता है सेहत और तंदुरुस्ती देता है और एक को उन्होंने ऐसे मुंतखब कर दिया था कि इंसान को माल और दौलत की ज़रूरत हो तो उसके पास चले जाएँ तो वो मानो दौलत दे देता है तो ऐसे अलग अलग देवताओं को अलग अलग कामों के लिए उन्होंने मंतखब किया था फिर हूद अपनी कौम को समझाते रहे कहते रहे माँ नज़र अल्लाहबिया सुल्तान इसके बारे में तो अल्लाह तबा व वाली ने कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई है जो नेक इंसान था नेक अमल करता था वो इस दुनिया से चला गया तो उसका अमल उसके साथ रहा वो भी अल्लाह का बंदा है भला वो मरने के बाद भगवान कैसे हो जाता है एक नेक इंसान अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की इबादत करता है अल्लाह तबारक वाल का फरमा बरदार रहता है वो अपनी ज़िंदगी में कभी खुदा खुदाई का दावा नहीं करता लेकिन जैसे वो इंतकाल कर जाता है तो इंतकाल कर जाने के बाद लोग उसी को खुदा बना लेते हैं भला मरने वाला खुदा कैसे होता है खुदा तो जिंदा है अल्लाहला हयुल है हैयल हयुल अल्लाहयम वो हई है, है वो कयूम है और यहां पर लोग मुर्दा को खुदा मानते हैं जो किसी काबिल नहीं होता है कहते हैं यही सब भगवान होता है यही सब कुछ करता है इन्नी फंतजरू मिनल माकुमत अब जब बार बार इसरार के बाद आ, उन्हें समझाया जाने लगा नहीं मानने लगे

अगर इतना भी माता दू ना इनकुन तमिना स्वादीन अगर आप सच्चे हो तो अजाब नाजिल करके दिखा दो वरना हम आपको तो सच्चा मानते ही नहीं है आप तो झूठे इंसान हो तो लोगों ने उदानेसला तो सलाम को झूठा बेवकूफ़ और न जाने क्या क्या कह दिया था और अजब का मुतालबा करते रहते थे तब उन्होंने कहा फंता जिरु फंता जरु इन माँ ठीक है ऐसे ही हाल अगर तुम्हारा रहा तो इंतज़ार करते रहो एक दिन आएगा एक दिन आएगा कि जब वो अजाब नाजिल होगा तब तुम्हारे होश आएंगे मंतजर इन नी माँ को मिनल तुम इंतज़ार करो और मैं मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करते रहता हूँ फन जीना हूँ वल्लदी न माहू बेरोमतिम मिनना वक़ाना दा बेरोदी नकदबो پھر ایک, ایک دن ایسا آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرنا شروع کر دیا جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے جگہ پر فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ سَرْسَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فترى القوم فيها سرعة كأنهم عجاز نخل خابية فهل ترى لهم من باقية सुरह हक्का में शुरे जासिया में और दीगर ऐसी चंद सूरतों के अंदर अल्लाह तबारक ने कौम आद पर नाजिल होने वाले आज़ाब का तस्करा किया कि तेज़ हवा चलने लगी और वो तेज़ हवा इंतहाई सर्द थी ठंडी हवा थी हवा तेज़ थी और तेज़ी में वो ठंडी भी थी और वो इस तरह से उनके अतराफ में उनके उनकी आबादियों में चलने लगी ये देखते ही देखते सब अपनी जहाँ थे वहाँ मुर्दे गिर गए फहली को बिर सर न आतिया हिम सब यानी व समानी तैयाम सात रातें और आठ दिन तक सात रातें और आठ दिन तक ये इस तरह से ये तेज़ हवा चलती रही चलती रही जिसके अंदर इंतहाई ज्यादा ठंडी थी القوم فيها النخل वो अलियाबिन के तने वगैरह काट कर जमीन पर फेंक देते हैं तो ऐसे ये लोग जहाँ देखो वहाँ जिस जगह देखो उस जगह पर ये आ, मरी हुई शक्ल में पड़े हुए थे तो इस तरह से ला तबरक ने उस कौम को जो जिस्मानी अहतबार से बड़े ताकतवर थे और जसीम थे कवि थे बाद लोगों ने इनके बारे में लिखा है कि ये सौ सौ हाथ लंबे हुआ करते थे या सौ फिट लंबे हुआ करते थे तो इस तरह की बातें आ, लिखी गई हैं लेकिन इसका हकीकत से ताल्लुक नहीं है ये जिस्मानी एतबार से मजबूत जरूर थे मगर कैसे मजबूत थे क्योंकि आदम आसलात इस्लाम के बारे में तो एक रिवायत है कि वो साठ साठ हाथ लंबे थे लेकिन उनके बाद ये जो लंबाई थी इंसान की इंसानों की वो आहिस्ता आहिस् कम होती रही वह आहिस्ता कम होती रही और आज वहाँ आकर रुक गई जो जहाँ हम हम देख रहे हैं तो पहले आदम सलाम साठ हाथ लंबे थे और ये लोग उनसे लंबे नहीं हो सकते क्योंकि हदीस में सबसे आ, सबसे ज्यादा लंबाई जो इंसानों की बताई गई है वो आदम आल सलाम और उनके जमाने की तो इस तरह से इसमें कोई शक नहीं कि ये भी लंबे थे लेकिन सौ या उससे ज्यादा की जो बात कही जाती है उसका आ, सही सेहत से कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन वो जिसमानी अतबार से कवि थे मजबूत थे डेल डोल अच्छा था उनका और उनको अल्लाह तबारक वाले ने बहुत सी सलाहियतें आता फरमाई थी ये पहाड़ों को तराश 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 कर घर बनाया करते थे इतने मजबूत लोग और फिर हर तरह की नियामतें उनके पास मौजूद थी अल्लाह तो तबा रको ने ऐसे मजबूत तरीन लोगों को फिर हवा के जरिए तबाह कर दिया ये बताया कि तुम्हारी ताकत ये तो हवा है बस अगर हवा चलने लगे तो तुम खत्म हो जाओ तुम्हारे लिए तुम्हारे तुमको हला करने के लिए किसी बड़े बड़े खतरनाक चीज की मजबूत तरीन चीज की जरूरत नहीं है बस हवा काफी है जिस हवा को हम हल्के में लेते हैं वो हवा ही तुम्हें खत्म कर देगी

जो तोहहीद परस्त थे इन लोगों से कह दिया गया था कि आप लोग इस बस्ती से इस इलाके से हट जाओ और ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पर जहाँ पर ये अजाब से तुम महफूज रह सको लिहाजा वो एक चार दीवारी के अंदर एक जगह एक जगह जाकर वो अप, उन्होंने अपने आप को महफूज कर लिया उस जगह पर वो हवा दाखिल नहीं होती थी अगर सर्दी के मौसम में हमारे पास भी हम देखते हैं थोड़ी सी अगर हवा ठंडी चलने लगे तो जिसम की हड्डियाँ दर्द करने लगती हैं और सर्दी का मौसम जब भी आता है तो लोग कहते हैं हमारे जोड़ों में दर्द हो रहा है कमर में दर्द हो रहा है जबकि मामूली सर्दी होती है थोड़ी सी ज़्यादा हो गई तो लोग परेशान हो जाते हैं अब वो ऐसी कैसी सर्दी थी कि आदमी मुकम्मल तौर तो पर आ, लाश बन गया उसकी जिंदगी खत्म हो गई वो मुर्दा मुर्दा की जगह जगह गिरने लगा तो इस तरह से तबारक तआला के पास आज़ाब की कई शक्लें मौजूद है कभी पानी के जरिए तो कभी हवा के जरिए कभी पत्थरों के जरिए कभी जमीन पर जमीन पर, जमीन को उठाकर वो पटक ही दे, दे। जिस तरह अल्लाह तबारा अजाब नाजिल करना चाहे वो नाजिल कर सकता है तो पहला जो अजाब नाजिल हुआ था दुनिया में किसी कौम पर वो वनू आ सलाम की कौम थी और उन पर पानी का अजाब था पानी का अजाब क्या आसमान से बारिश होने लगी बहुत ज्यादा बारिश हो गई जहां थे पानी ही पानी हो गया और जमीन के अंदर से भी पानी उबलने लगा और हम देखते हैं कि पानी के पानी में लोग जिस तरह से ऐसे बह जाते हैं ऐसे ख़त्म हो जाते हैं मालूम ही है नहीं पड़ता है उनकी ताकत ऐसा महसूस होता है कि इंसान में ताकत ही नहीं है पानी के अंदर जो ताकत है पानी जिस तरह से इंसानों को बहा कर ले जाती है जिस तरह से डुबो देती है, तो पानी के सामने इंसान इंतहाई लाचार और मजबूर दिखाई देता है ऐसे ही दूसरा दूसरा जो अजाब नाजिल हुआ वह हुदालसलात वाम की कौम जिसको कौम आदि कहा जाता है और उन पर अजाब नाजिल हुआ तेज़ हवा के जरिए वो ऐसी हवा जो ठंडी हवा थी सर्द हवा थी फिर अल्लाह व तआला ने फरमाया तबा रको ना बेहतना अब जब अजाब नाजिल होता है तो अल्लाह व तआला अपने नेक बंदों को उससे बचा लेता है बाद मरतबा अल्लाह के नेक बंदे भी उस अजाब में मुबतला हो जाते हैं ये सबके साथ रहने के बिना पर अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ ये मुस्तकिल तौर तो पर अलग रह रहे हैं तो हो सकता है इस तरह अल्लाह तब व तआला उन्हें बचा ले तो खुद आलतम पर उन पर ईमान लाने वालों को अल्लाह तबारक तआला ने एक अलग जगह पर रहने का हुक्म दिया वहाँ पर वो लोग ठहरे रहे तो फिर इस हवा से वो महफूज रहे उन पर यह हवा नहीं चलती थी फानजयी तो हमने उन्हें नजात दे दी खुद आसलात साम को वल्ली न माहू और उन लोगों को जो उनके साथ थे हमारी रहमत के जरिए जब हवा चल रही है इलाके पर तो हवा तो सब पर चलना चाहिए लेकिन इन लोगों पर वो हवा नहीं आती थी अब वो कैसे नहीं आती थी तो वह तबारक वाले की रहमत है वह क़ा नादा भी कद दबू भी आ और हमने जिन लोगों ने हमारी आयतों को जुड़ था हम उनके आखिरी इंसान तक के हमने सबको खत्म कर दिया आखिरी इंसान तक यानी किसी को भी हमने उसमें से नहीं छोड़ा उनकी जड़ों को काट के रख दिया तमाम के तमाम वो अफराद जो जो हमारी आयतों को झुठलाते थे हमारी नाफरमानी करते थे उनमें से हर एक को खत्म करके रख दिया उमा कानू उमा कानू मिन वो ईमान लाने वाले नहीं थे वो ईमान लाने वाले नहीं थे वो फसाद मचाना चाहते थे वो नबियों की बात नहीं मानते थे भला इस दुनिया में आने के बाद जिनको अल्लाह तबा रक वाली जिन पर ये न्यामतें नाजिल करें उसी उसी खुदा को लोग न माने तो अल्लाह तबा रक वाली फिर सजा न दे तो क्या दे इसका मतलब ये हुआ अल्ला कि अल्लाह तबा रक वाल की जब नियामतें हम पर नाजिल होती हैं हमारे ऊपर अल्लाह की बेशुमार नामतें हैं इन नेमतों पर ला तबा रक वाली का शिक्र अदा करना चाहिए अल्लाह से दुआएं करनी चाहिए और हमेशा अल्लाह की फरमा बरदारी करने की कोशिश करते रहना चाहिए अगर हम नाफरमानी करते हैं गुनाह करते हैं तो उस तरह का अज्तमाही शक्ल में अजाब तो नाजिल नहीं होगा लेकिन फर्दन फरदन और इलाकई एतबार से घरेलू एतबार से ख़ानदानी एतबार से न जाने कौन कौन से अजाब हमारे ऊपर नाजिल हो जाए हमें उसका एहसास भी नहीं होगा और हमारी ज़िंदगी ख़त्म और तबाह हो जाएगी अल्लाह से दुआ कि अल्लाह व तआला हम तमाम को हर तरह के बुराइयों से महफूज रखें अजाब वाली चीज़ों से अजाब वाले अमाल से हमारी हिफाजत फरमाए असलमकुम वरहि वबरकू